बने रहिए। माँ बाबा विराजमान है, माँ की ब्लेसिंग आप लोगों को मिले, आपके परिवार को मिले। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री महालक्ष्मी आई से पूर्ण भूमि। बहुत ही सुंदर माँ का मंदिर है, आप लोग आइए दर्शन करिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को। बहुत ही प्यारा मंदिर है। दहानु महालक्ष्मी है ये, और स्वयं प्रसिद्ध महालक्ष्मी है ये बता रहे हैं। बताइए यहाँ के बारे में थोड़ा सा। ये दहानु की महालक्ष्मी है, दहानु से 20 किलोमीटर लंबाई है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा, डूंगर वाली माता जी हैं, पहाड़ पे हैं। तो जैसे आपने देखा कि पहाड़ पे ही सीढ़ियों को, मतलब पहाड़ को काट काट के सीढ़ियाँ बनाई है। बहुत अच्छा लगा। 880 सीढ़ियाँ हैं, इसको बोलते हैं। तो 880 सीढ़ियाँ हैं। आप आइए अपने परिवार के साथ माँ दरबार में आइए और माँ के दर्शन करिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, खुशी से हो जाएगा जी। माता जी का दर्शन होगा और सबको ब्लेसिंग मिलेगी। और सब यहाँ के जितने भी पंडित जी हैं और सब लोग हैं जो रख रखाव करते हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग आइए। और यहाँ ये बता रहे थे कि नवरात्रि में बहुत भीड़ लगती है, और दिपाड़ी और अच्छा। और यहाँ पे हनुमान जयंती के दिन साल में मेला लगता है, और यहाँ पे जो माँ का ऊपर ध्वजा है वो भी चेंज होता है। बहुत बड़ा यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन यहाँ पे ध्वजा चढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों को वो देखना है, यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना है उसके बारे में, और मैं आई नहीं हूँ, लेकिन इस बार श्योर आऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और आप लोग भी आइए, ठीक है। जय माता दी। बहुत भीड़ रहती है, माँ का आशीर्वाद लीजिए। जय माता दी। आप लोगों को सबको ब्लेसिंग मिले, माँ का आशीर्वाद मिले। जय माता दी। क्या कर रहे हो? माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए फ्रेंड्स। और अभी इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, वाह, झमाझम बारिश, और मैं भीग चुकी हूँ, पूरा ऊपर से नीचे तक भीग चुकी हूँ। मेरे कपड़े भी भीग गए हैं और मैं भी भीग रही हूँ। ओहो, ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश हो रही है, ये देखिए वाह। ये भी एक मज़ा है ना फ्रेंड। ऐसा इंजॉयमेंट वादियों में ही आपको मिलेगा। इसीलिए कहती हूँ ना कि नेचर में आओ और लाइफ को एंजॉय करो, हरे भरे हो जाओ। मजा आ रहा है। वाव, पूरे फॉग ही फॉग हो गया है, बादल उतर आए हैं। आराम से संभाल के चलना, संभाल के। ओहो, बट थोड़ा संभाल के चलने की जरूरत है। क्या नज़ारे हैं, क्या मौसम है, वाह। आहा, और बादल के परे आ गई हूँ। ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, सिर्फ मैं दिख रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे मंकी दिख रहे हैं। अरे बेचारे सो स्वीट, देखो माँ और बेबी कैसे बैठे हुए हैं बारिश में, इनको भी ठंड लग रही है। दिखाओ कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो फोटो खींच सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हवा भी तेज है, पेड़ कितनी तेज हिल रहा है, और माँ ने अपने बच्चे को कितने प्यार से पकड़ रखा है। हवा भी कितनी तेज है, छतरी के ना पुर्जे हिल गए हैं। ये देखिए पेड़ इतनी तेज से हिल रहा है और माँ बेचारी अपने बच्चे को पकड़ के बैठी है। माँ तो माँ होती है ना, देखिए अपने सीने से लगा के उसको ऐसे चिपका के बैठी हुई है। सो स्वीट। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, गुस्सा कर रही मेरे ऊपर, वो इनसिक्योरिटी हो जाती है ना। हम तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रही है। बाय बाय, लव यू। गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर, उसको लगा उसकी बेबी को मैं लेना चाह रही हूँ। दे आर वेरी इनसिक्योर। माँ अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है ना। हर माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा ही करती है, वो चाहे इंसान हो चाहे वो जानवर हो। बट रियली ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। और उतरते समय तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी मुश्किल से हम चढ़ के आए थे।